अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी एमन मोहसिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस गाइस गाइस, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, काफ़ी दिन बाद, कुछ काम भी हमें, और मेरा बेटा जो है वो रेडी है, बड़ा क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, और मेरे मियाँ भी रेडी है। मेरे मियाँ ने मेरे नाम की शर्ट पहनी, आपको पता है गाइस कितनी मोहब्बत है इनको मुझसे। पैंट निकाल रहे हैं, जीन्स चेंज कर रहे हैं, हम मम्मा के पहुँच के मिलते हैं। ए अस्सी ने तो आपने छुपा दी जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, ए दिखाएं खोल खोल के, इनको इतनी ठंड लग, शट योर माउथ। सर्दियाँ आती नहीं है, मौसम को इतनी ठंड लगने लग जाती है कि बस मत पूछें। हम रेडी होके चलते हैं, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, मम्मा को दावत भी देनी है और काफ़ी सारे काम हैं कल के, तो मैंने सोचा आज ही व्लॉग कंटिन्यू करते हैं हम। मैं एक जगह जाना है मुझे ड्रेस के लिए, अगर ये ले जाएं तो इनकी मेहरबानी होगी, इनके हाथ पांव जोड़ती हूँ मैं। अगर मेरी मियाँ ने मेरी बात सुन ली तो आप लोग को भी बताऊंगी। A few moments later, हम आ गए मम्मा के घर, और इस लड़की को पूरे रास्ते पता होता है। काका और बाबा और पुप्पो, नानी नहीं है, दादी पुप्पो, सबको वादे लगा रहा है ये लड़का। गाइस मोहसिन ने हादी को बोला है कि मेरी एक बॉल पे एक टच हो जाए बस बेड। हादी बेइज्जती करा रहा है यार तू सारी। हाय हाय, मोहसिन दो हो गई, मोहसिन दो हो गई। मैं बेटा किन्नू प्यारू लग रही है भाई, बाबा इसको दे दो, ये मेरा बड़ा बॉलर है। चलो बाबा सिखाएंगे, बाबा आपको हटो, ये बड़ा बॉलर गिर ही गया, हटो हटो बाबा सिखाएंगे। चलो ए क्लैपिंग क्लैपिंग तो करो। गाइस मोहसिन जो है ना बच्चों को पागल बना रहे हैं, वो देखें मोहसिन बैठ के, वाओ इतना जोश मोहसिन। गाइस इनको देखें, हमारे घर एक कौन है एक्टर, यस सिद्धि नचा दी, तुम दोनों भाई होगी। एक्सक्यूज मी आफरीदी, एक्सक्यूज मी सर, ए मैं आपसे कुछ अब्रिश के लग गई मुंह पे, ए मेरे ना लगे, ए यही मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपको मैच किसने सिखाया? खुद ही सिखाया, देखो बच्चे वाले बैट पे तो मैच खेल लें आप। ओ ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, पागल हो गए गाइस ये लोग तीनों। माँ जाओ मैच खेले, माँ बहुत बिजी है कुछ खाने में, अपने पप्पो के साथ चने खा रहे हैं। गाइस मैं सिलाई कर रही हूँ मौसम के लिए, मम्मा गई नहीं थी, अभी अभी चल रही हूँ, मम्मा खाना गर्म करने लगी हूँ तो मम्मा आई है। क्या है? हाँ ना वो मम्मा आ गई थी ना तो वो पढ़ लिया है, अभी मम्मा ने प्रॉन्स बनाए मसाले वाले, अभी भी मम्मा चढ़ी है, रोज महान मम्मा के पास ही होगा, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। महात हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी जी गुड, मम्मा के दादी के साथ चल रही आ गया, बाबा के साथ क्यों नहीं आ, दादी अम्मी को क्यों थका रहे? अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, देखा जी बोलते मेरे बेटे को, सब पता है अपनी दादी के साथ। हाँ मम्मा 3 घंटे से आए हुए हैं, आप क्यों गए? मैंने मैसेज कराया था आपको, ये आ गई मेरी सासू माँ, मम्मा खाना गर्म करेंगे। बात होता है किससे क्या करवाना है, मम्मा से आके बोलते हैं मम्मा ये करो, ये कैसे करने को बोलते हैं मम्मा से, ये सब याद होता है इसको, आके अपनी हर चीज़ पे जाता है, अपनी चीज़ें खुद निकालता है, बर्बाद करने वाली, बस बस।
गाइस ये देखिए इसको कितना मजा आ रहा है अपनी दादी से मालिश करवाना। आंखें बंद, आंखें बंद, फुल टन, फुल टन हो गया ये। आयु माँ ये देखो इसको कितने मजे आ रहे हैं देखने। ये गया कतरा, दूध बॉईल कर रही हूँ और यहाँ चाय का पानी और यहाँ मैंने कपड़े एक और मशीन चला दी एक दफ़ा और ये निकाल के सुखाए हैं। हाथ के कपड़े यहाँ देखो इतने सारे हो गए, हाथ के कपड़े भी। सुबह अपने मियाँ का वेट करते हैं, फिर जब मियाँ आ जाएंगे फिर सामने आऊँगी। अभी मेरे पास दुपट्टा वगैरह नहीं है सो इसलिए गाइस सो गया। मैं मौसम के कपड़े वगैरह रख कर रही हूँ, मौसम पहनेंगे। मैं भी सोचूँ मेरे पास एक ब्लैक और वाइट कुर्ता है, मैं वही पहन लेती हूँ, मैचिंग हो जाएगी हम दोनों की ना। वैसे तो मेरे पास एक वन पेंट था, मुझे वो पहनना था, उसका स्टॉलर वगैरह मैंने सब मंगवा लिया था, लेकिन अब हम ये पहन लेते हैं। ये मौसम ब्लैक और वाइट पहनना था, हम भी ब्लैक और वाइट पहन लेंगे, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी का कंट्रास्ट हो जाएगा। ये जैकेट ये सब अब मैं हैंगर करके रख रही हूँ। गाइस को अपनी मम्मा पे ऐसे ही प्यार आता है। और ये अभी अभी कटिंग करवा के आके सो गए थे, मेरा बेटा हो गया फ्रेश। वाओ यू लुक सो क्यूटू। से हाय गाइस, मुंह से बोलो, से हाय गाइस। सो अभी हम रेडी होते हैं, मौसम का ड्रेस तो मैंने आपको दिखा दिया जाता, हालांकि मैं कुछ और पहन रही थी, सिर्फ अपने मियाँ की मैचिंग की वजह से मैंने कुछ और पहनना है ना मुन्ना ना। आपको देख रहा है कितना प्योर हो लोगों, कितना प्योर हो। अच्छा आइस बता दो, आइस मस्त कलर है, बताओ। नो हटे तो, इतना प्यार क्यों करता है अपनी मम्मा से, इतना प्यार क्यों करते हो, चिपके ही रहते हो, चिपके ही रहते हो, चिपके ही रहते हो। तो सब बच्चा खा दो, चलो बच्चा छोड़ो मम्मा, मैं जा रही हूँ, बाय कर दो। देखो मैं फिर ब्लैक और वाइट, एक मेरे पास ये कुर्ता था, ये पहन लेती हूँ अपने मियाँ की मैचिंग का, और एक मेरे पास ऑप्शन में ये वाला ड्रेस भी था। सो ये भी है ओके, ये पूरा वन प्रिंट है और बाकी मैंने पहने हुए, और ये मेरे आ नहीं रहा क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ। सो अभी देखते हैं क्या पहनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, मौसम आ जाए फिर मिलते हैं। मेरे मियाँ जी जो है वो कटिंग करवा रहे हैं सैलून में और हेयर डू करवा रहे हैं अपना। खा रही हूँ फ्राइज लो, सॉरी पूरा खा के याद आया, पहले खाना खा लो, मैं रेडी हूँ, मेरा खाना है फ्राइज। क्या खा रहे हो महाज से? फ्राइज, फ्राइज, व्हाट इज दिस फ्राइज? हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। ना क्यूटू कैसे हो सकता है कोई मेरा शहजादा यार। कभी आलू की चिप्स खरीदना और चिप्स वाले से बोलना रोटी चपाती में ना फ्राइज डाल दे, बहुत मजे का लगता है। मोहसिन अपने बचपन में खाते थे, मोहसिन महक सना ये लोग, फिर मोहसिन ने मुझे भी सिखा दिया। ऑफ कोर्स मेरे शौहर हैं जो मैं खाती हूँ वो उनकी पसंद की वो खाते हैं, कुछ चीज़ें मैं उनकी पसंद की खाती हूँ। इज़ बिजी खा रही हूँ फ्राइज लो, सॉरी पूरा खा के याद आया, पहले खाना खा लो, मैं रेडी हूँ, मेरा खाना है फ्राइज। क्या खा रहे हो महाज से? फ्राइज, फ्राइज, व्हाट इज दिस फ्राइज? हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। ना क्यूटू कैसे हो सकता है कोई मेरा शहजादा यार। कभी आलू की चिप्स खरीदना और चिप्स वाले से बोलना रोटी चपाती में ना फ्राइज डाल दे, बहुत मजे का लगता है। मोहसिन अपने बचपन में खाते थे, मोहसिन महक सना ये लोग, फिर मोहसिन ने मुझे भी सिखा दिया। ऑफ कोर्स मेरे शौहर हैं जो मैं खाती हूँ वो उनकी पसंद की वो खाते हैं, कुछ चीज़ें मैं उनकी पसंद की खाती हूँ। इज बिजी। अच्छा एज आई एम रेडी, बस एक ऊपर का हिजाब पहनना है मुझे, कभी कभी मेरा खुद पे दिल आ जाता है हिजाब करने के बाद। सो हिजाब करते हैं, रेडी होते, माथ भी रेडी, माथ भी बहुत प्यारी लग रही है, और अब हम मम्मा के अम्मी के पहुँच के मिलते हैं। अब चल चादर में लपेट कर जाऊंगी, चलो हम उतर के मिलते हैं गाइस आपसे। गाइस हम पहुंच गए मेरे घर और सब रेडी हुए, सब आए हुए, मैं 11 बजे आई हूँ यार, सब आ चुके हैं, सब है, सारे तकरीबन आ गए। कौन? कोई बात नहीं, गेस्ट है ना आप तो बैठते रहते हो। सब रेडी हुए हैं और केक निकाल लिया जाए गाइस, मैं फोन से ही मंगवाया।
बाहर सारे मर्द हजरात हैं, यहाँ सारी औरतें हजरात हैं गाइस। ये मेरा बेटा इतना हैंडसम तो मेरा बेटा हो सकता है भाई। बुलाओ ना अभी बाबा, माचिस लाना तू बस। केक कट करने जा रहे हैं ये मेरे मियाँ जी और ये मैं जी हमारी सेम से। अरे कुछ नहीं है, पढ़ावे भी तो जा रहे। चलो गाइस कटिंग हो चुकी है केक और अब हम जो है वो ठूसने जा रहे हैं केक। यहाँ खाना लग चुका है और बड़े पापा ये देख रखी हुई है, ये अमीर आंटी घूम रही है। ओ ये क्या हुआ तुम्हारे, वही जो निशान था। नहीं दुल्हन आई हुई है, ये मेरे भाई रोटियां लेकर आ रहे हैं। क्या भाई रोटियां लेके आ रहे हैं, सब किचन में गाइस, सब किचन। ला मुझे दे दो। दोनों दामाद और चाचू बैठे हैं, मेरे बातें कर रहे हैं और महात को मैं खाना खिला रही हूँ। पहले महात को खिला दूँ फिर मैं खाना खाती हूँ। लेडीज दस्तखान लग चुका है, ये हम नहीं खा पाई हैं। हम लोग भी खा रहे हैं, मौसम फरहान भाई हम लोग भी खाना खा रहे हैं क्योंकि हम फैमिली वाले बैठ के खा रहे हैं। मेन्यू में कोरमा, बिरयानी और गाजर का हलवा, जैसे हमारे घर वाले। मेरे बराबर में आपको मैसर होंगी सिद्धराफी। हाँ यार नज़र लग जाती है रिजवान भाई को ना, प्लीज माशाल्लाह बोल दिया करें, बस नज़र लग। हैंडसम मियाँ हलवा खा रहे हैं गाजर का। हैंडसम मियाँ हलवा खा रहे हैं गाजर का। हम से मेहमान आए हैं मुल्तान से पप्पो, तो वो जा रही हैं नाहिद पप्पो। खत्म हो गई है और अब सारी सब चीज़ें अपनी लाइन पे आ रही हैं जगहों पर। आज पापा ने यहाँ पे पर्दे लगाए, बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने बोला था यहीं रहने दो, हाँ यहीं रह कर रहने दो। ये पापा का दामाद और पापा जो है बंद कर दो मुन्ना, वो काम कर रहे हैं। A few moments later वीडियोस बनाएंगे, जिसके लिए मैं पहले अपने मियाँ से शीशा साफ करवा रही हूँ। मैं खुद कर रही थी तो उन्होंने कहा ला मुझे दे दो, पर्दा तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। गाइस हम घर आ गए, घर आने के बाद इनका मोस्ट फेवरेट माँ सफदर का व्लॉग, कहीं से भी आएंगे व्लॉग देंगे। और मेरा बच्चा अपना खेल में लगा हुआ है, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, हिजाब वगैरह खोलती हूँ और सबको हिजाब जितने भी हिजाब बनती हूँ सबको ट्यूटोरियल मिलेगा, मेकअप ट्यूटोरियल सब मिलेगा। पर मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों इतनी लेजी हूँ व्लॉगिंग के बारे में, आई डोंट नो यार।